गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर टू पढ़ रहे थे बच्चों, डायरेक्शन स्केल एंड मैप्स, ठीक है? तो चलिए आज इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि गीता ने अपने स्कूल का क्या बनाया था, एक नक्शा बनाया था, है ना, जिसमें उसने टू क्लासरूम, वन हेडमास्टर रूम एंड वन कोर्टयार्ड, मतलब एक बरामदा बनाया था, है ना। किसकी सहायता से? मैजिस्टिक्स की सहायता से बच्चों, है ना। हमने पढ़ा था उसने वन वन फुट स्टेप्स, मतलब एक कदम को वन मैचस्टिक्स के बराबर माना था, मतलब एक कदम को उसने एक माचिस की तिल्ली के बराबर माना था, ठीक है। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड द स्केच विच गीता हैड मेड ऑफ हर स्कूल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गीता ने अपने स्कूल का जो नक्शा बनाया था, है ना, उसका आपने क्या किया? स्टडी किया, अध्ययन किया। नाउ यू मेक ए स्मॉल स्केच ऑफ योर क्लासरूम, ठीक है। देखिए स्मॉल मीन्स होता है छोटा, है ना। तो आपको भी अपने क्लासरूम का एक छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा? नक्शा बनाना है, ठीक है। फॉर दिस यू विल हैव टू मीजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था मीजर मीन्स होता है नापना, लेंथ मीन्स लंबाई, विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई, एंड क्लासरूम मीन्स कक्षा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपने क्लासरूम का नक्शा बनाने के लिए आपको अपने कक्षा की, है ना, लंबाई, है ना, लेंथ मीन्स लंबाई और विड्थ लंबाई और चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी? मीजर करनी पड़ेगी, मतलब नापना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गिव एन अप्रोक्सीमेट अकाउंट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर क्लास रूम, ठीक है। देखिए अप्रोक्सीमेट मतलब होता है अनुमान, लेंथ मीन्स लंबाई, यहाँ ब्रेथ मीन्स भी क्या होता है बच्चों? चौड़ाई होता है, एंड क्लास रूम मीन्स कक्षा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको मतलब अपने अनुमान से बताना है, है ना। अप्रोक्सीमेट मतलब आपको अनुमान लगा के बताना है कि आपके कक्षे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मीजर इट विथ योर फुट स्टेप्स एंड मेक ए नॉट ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नापनी है, और उसको क्या करना है बच्चों? और किससे नापनी है? फुट स्टेप्स मतलब कदमों से नापना है आपको, है ना, कदमों से नापना है लंबाई चौड़ाई को, और उसको क्या करना है बच्चों? नोट करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यू विल हैव टू चेंज द फुट स्टेप्स इंटू स्मॉलर स्टेप्स, फिर आपको क्या करना है बच्चों कि जो आप कदमों से नापे हैं अपने क्लासरूम को, उसको स्मॉलर स्केल्स मतलब छोटे पैमाने में फिर आपको चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था वन फुट स्टेप्स को हम वन मैच स्टिक्स मान सकते हैं, है ना। देखिए आगे बोला भी गया है, फॉर दिस वी विल यूज़ मैच स्टिक्स, इसके लिए आपको मैच स्टिक्स का क्या करना है? यूज़ मतलब उपयोग करना है, ठीक है। देखिए टू ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर क्लासरूम कंसीडर ए मैच स्टिक्स इक्विवेलेंट टू द मीजरमेंट ऑफ वन फुट स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों? देखिए कंसीडर मीन्स होता है मानना, इक्विवेलेंट मीन्स बराबर। तो आपको अपने कक्षा का, है ना, क्लासरूम, अपने कक्षा का क्या करने के लिए? नक्शा बनाने के लिए आपको एक तिल्ली को वन फुट स्टेप्स एक कदम के बराबर मानना होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर मीजरिंग
स्केल वन मैच स्टिक इक्वल 1 फुट स्टेप्स है, यही आपका क्या है नक्शे का पैमाना होगा, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1 मैच स्टिक इक्वल 1 फुट स्टेप्स, मतलब 1 दिल्ली बराबर 1 कदम। चलिए आगे देखते हैं। टेक मैच स्टिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फुट स्टेप्स टेकन टू मीजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। देखिए इक्वल मीन्स बराबर, मीजर मीन्स नापना, मैचस्टिक मतलब माचिस की तीली, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि तुम्हारी कक्षा की लंबाई जितने कदम है ना, उसके बराबर आपको क्या लेना है ना, तिलियाँ लेना है व मैच स्टिक्स लेना है ना। मतलब कक्षे की लंबाई जितने कदम है उतने के बराबर आपको, इक्वल मतलब बराबर, उतने के बराबर आपको माचिस की तिल्लियां लेनी है, ठीक है। ऑन ए बिग सीट ऑफ पेपर अरेंज द मैच स्टिक्स इन लाइन, है ना। बिग सीट ऑफ पेपर, फिर आपको एक बड़े कागज का पेपर लेना है ना, बड़ा सा कागज लेना है, फिर उसमें मैच स्टिक्स को मतलब एक लाइन से आपको अरेंज करना है, जमाना है, ठीक है। लीव नो स्पेस इन बिटवीन, है ना, स्पेस मीन्स जगह, बिटवीन मीन्स बीच में, है ना। तो जब आप उस मैच स्टिक्स को पेपर में अरेंज करेंगे तो आपको मतलब स्पेस मतलब जगह नहीं छोड़ना है बीच में, है ना, मतलब सटा के उसको सभी मैच स्टिक्स को रखना है। दस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम शैल बी कन्वर्टेड इंटू ए स्मॉलर स्केल यूजिंग मैच स्टिक्स, है ना। हमने पढ़ा है लेंथ मीन्स लंबाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि इस तरह तुम्हारी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को तीलियों की, है ना, तीलियों की लंबाई में बदलना है, ठीक है। कन्वर्टेड मीन्स बदलना। देखिए फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द वॉल टू द नॉर्थ ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, वॉल मीन्स दीवार, है ना। मतलब आपको फर्स्ट लेट्स ड्रॉ, है ना, तो चलो पहले कक्षा के उत्तरी दीवार को तीलियों से बनाएं, मैच स्टिक से बनाएं, है ना, हेल्प मी सहायता, मैच स्टिक्स की सहायता से बनाएं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों कि जिस तरह गीता ने अपने स्कूल का नक्शा बनाया था उसी तरह हमको भी अपने स्कूल का नक्शा बनाना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कक्षे की लंबाई और चौड़ाई को नापनी होगी, है ना, किससे, अपने फुट स्टेप्स कदमों की सहायता से, ठीक है। फिर देखिए फिर आपको क्या करना है, उस फुट स्टेप्स 1 फुट स्टेप्स को 1 मैच स्टिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब 1 कदम को आपको 1 तीली के बराबर मानना है, उसके बराबर मानना है ना, ठीक है। फिर जैसे 10 फुट स्टेप्स है, 10 कदम है, तो आप 10 मैच स्टिक्स लेंगे। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एक बड़ा सा पेपर लेना है ना, कागज लेना है, फिर उसमें माचिस की तीलियों को सटा कर रखना है, और इस प्रकार रखना है बच्चों कि बीच में कोई गेप ना हो, है ना। फिर इस प्रकार आपको कक्षा की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे जानेंगे, है ना। आशा करती हूँ हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।